हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये भी प्यारा सा तोरण बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह का फ्लावर्स बनाया है, मेरी गोल्ड फ्लावर्स। तो इसके लिए मैंने ये 3 कलर का ऊन इस्तेमाल किया है, येलो, ग्रीन और वाइट। तो चलिए, बिना किसी का तरह का देरी किए हुए हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मेरी गोल्ड फ्लावर बनाने के लिए कूट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे अंगुलियों पर लपेट सकते हैं। तो यहाँ मैं वाइट कलर के ऊन से फ्लावर बना रही हूँ। तो इसमें मैं ऊन को लपेट रही हूँ। इसको लपेटने के बाद अच्छी तरह से जितना ही घना और सघन हमें फूल बनाना होगा उतना ही ज़्यादा हम ऊन को लपेटेंगे। यहाँ मैंने 50 राउंड्स लपेटा है इसे और फिर बीचों बीच इसे बांध दिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसके दोनों किनारों पर कट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कट लगाने के बाद इस तरह से ये निकल आएगा। और अब हम इसके एक्स्ट्रा जो है, जो छोटे बड़े हो रहे हैं, इसको गोल शेप में लाने के लिए एक्स्ट्रा जो ऊल है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से काट देंगे और इसको गोल बना देंगे, राउंड शेप में ला देंगे। तो ये हमारा गोल बन गया है। अब फ्रेंड्स, हम लेंगे ग्रीन कलर का ऊन। तो ग्रीन कलर, ये मैंने सारा ऊन 3-ply का इस्तेमाल किया है। इसमें आप 4-ply, 2-ply, सार कोई भी ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है और इसमें मैंने इसको अंगुलियों पर, एक अंगुली पर मैंने 15 बार लपेटा है। और 15 बार लपेटने के बाद इसको हमने, ये देखिए, सुई से इस तरह से बांध लिया है। इससे हम क्या है कि अपना जो मेरी गोल्ड फ्लावर जो बनाएंगे उसका डंठल बनाएंगे दोस्त। तो इसके पहले भी मैंने मेरी गोल्ड फ्लावर के वीडियो पहले से अपने चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से भी जाके इसे अब आप वाश कर सकते हैं। दूसरे तरीके भी और तरीके भी मैंने बताए हैं इस तरह के फ्लावर बनाने के लिए। तो इस तरह से डंठल हम इसका बना लेंगे उंगलियों पर 15 बार लपेट के। सुई से बांधने के बाद इसमें हम अच्छी तरह से इसका स्टिच कर देंगे, सिलाई कर देंगे। ये देखिए, बन गया है हमारा ये फूल। और इसी तरह से मैंने 2 कलर का ऊन ये फूल बना के तैयार करके रखा है, यहाँ येलो और यहाँ वाइट। तो चलिए, तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वाइट, ये येलो कलर का फूल लिया है और उसमें मैंने उसको, हमने क्रोशिया के सहारा से बांधते हुए उसमें आपको 12 चेन बनाया है। 12 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स, उसमें मैंने एक पत्ती बनाया है। ये देखिए, मैंने पत्ती बनाया है। ये पत्ती हम 7 डबल क्रोशिया लेकर के बनाएंगे, 7 इस तरफ और 7 उस तरफ डबल क्रोशिया लेकर बनाएंगे। और पत्ती बनाने के बाद आगे हम चलिए बताते हैं पत्ती हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको हम एक पत्ती यहाँ हम बनाएंगे। हमने एक फूल को इसमें बांधा है और एक पत्ती बना करके फिर यहाँ पर हम लेंगे यहाँ 15 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स। और फिर हम यहाँ पर वाइट ऊन एक फ्लावर लिए हैं और उस फ्लावर को भी हम क्रोशिए के सहारा से इसमें एक सिंगल क्रोशिया लेके बांध दिए हैं। अब हम यहाँ पर फिर लेंगे 12 चेन लेंगे और 12 चेन लेने के बाद हम 4 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम क्रोशिया पर एक फंदा लेकर के 4 चेन नीचे जा करके चेन में से घुसा करके एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक राउंड शेप का फंदा बन जाएगा। उसमें हम, ये देखिए, बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उससे थोड़ा सा बड़ा 2, तीसरा हम बनाएंगे उससे बड़ा
इस तरह से हम सात बनाएंगे और जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे फंदा को खींचते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फंदा बना के खींचते जाएंगे। और ये मैंने पाँच और ये छः और सातवां थोड़ा सा और खींच लेंगे। यहाँ हमने सात बना लिए फ्रेंड्स। अब हम इसमें चार चेन लेंगे। चार चेन लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से जहाँ पर हमने लास्ट जब वो डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर ले जाकर इस पर एक सिंगल क्रोशिया लेकर के इसको अटैच कर देंगे। फिर हम यहाँ पर सात डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो अबरी बार हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि पहली बार छोटा से बड़ा डबल क्रोशिया बनाए थे, अभी बार छोटा से बड़ा से छोटा करेंगे। तो जैसे जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे वैसे वैसे फंदे को थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पत्ता का शेप बन जाएगा। अब हमने लिया है एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ किनारे ले जाकर इसे बांध दिया है। ये देखिए इस तरह से हम बांध देंगे और फिर इसके डंठल बनाने के लिए एक सिंगल क्रोशिया चेन में लेकर के बांध लेंगे। तो ये हमारे पत्ते का डंठल बन जाएगा और ये और हर एक फूल पर हम इसी तरह का बनाते चले जाएंगे। अब हम फिर वाइट के बाद येलो फूल इसमें अटैच करेंगे। तो इसमें हम इस तरह से येलो फूल अटैच कर दिए। फिर हम यहाँ पर 14 चेन बना करके एक पत्ता बना लेंगे और इस तरह से देखिए सारे को हमने इसी तरह से सारे को देखिए कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें एक एक लड़ी में तीन तीन आपको तीन येलो और दो वाइट फ्लावर्स लगाए हैं। नीचे सबसे नीचे पीला, फिर उजला, फिर पीला, फिर उजला, फिर पीला, लास्ट में पीला और फर्स्ट में पीला। तो इस तरह से हमारा ये हमने 18 लड़ियाँ टोटल बनाई हैं। अब चलिए फ्रेंड्स तोरण पट्टी बनाते हैं। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने लिया येलो कलर का ऊन। तो येलो कलर के ऊन से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 8 चेन बनाया और चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया लेके इसको गोल लूप बना दिया है। अब हम 3 चेन लेंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन हमने का मतलब हमारा एक डबल क्रोशिया होता है फ्रेंड्स। तो फिर हम देखिए इस तरह से बनाने के बाद इसे पलट लेंगे और फिर 3 चेन लेंगे और चेन लेने के बाद यहाँ पर फिर हम इसके बीच में जा करके 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे फ्रेंड्स। 3 जो चेन हम ले रहे हैं 1 2 3 जो ये चेन लिया ये डबल क्रोशिया बराबर हुआ और फिर हमने 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाया। तो जो हम किनारे चेन ले रहे हैं उसको एक डबल क्रोशिया मानते हुए बाकी एक के बाद दूसरे में बीच में से हम फंदे निकालेंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया एक ही फंदे में डाल करके खींच लेंगे। फिर हमने यहाँ 3 चेन लिया और फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से हम बनाएंगे ये पट्टी। चार चार का पट्टी बनाए, ये पट्टी हमारा बनके तैयार है। बहुत ईजी तरीके से बना है और बहुत ही सुंदर है। तो अब हमने इसमें टोटल 50 ये कड़ियाँ बनाई हैं और हमने ये जो लटकन जो बनाया था फूल का वो हमने टोटल 16 बनाया है। 16 और ये 50 बनाया है। तो हम अब क्या करेंगे क्रोशिये के सहायता से इस पर ये जो हमने लड़ियाँ बना के तैयार किए हुए हैं तो इसे हम इसमें जोड़ लेंगे। यहाँ क्रोशिये से हम इसको जोड़ रहे हैं। आप चाहे तो सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन क्रोशिया से इजी तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 50 है टोटल लड़ी हमारे पास 16 है और ये हमने जो तोरण पट्टी का कड़ी जो बनाया था 50 है। तो दोनों किनारों पर एक एक को छोड़ते हुए हम हर एक चार पर एक एक लड़ी को जोड़ लेंगे। एक दो तीन चार और यहाँ मैंने क्रोशिये से इसको जोड़ लिया। तो चलिए जोड़ते हैं।
जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं दोस्त, उसे हम कट कर लेंगे और फिर सारे को जोड़ लेंगे एक एक करके चार चार की दूरी पर। और ये देखिए, अब हमने इसे सारे को जोड़ लिया है और ये देखिए हमारा तोरण बनके तैयार है। और देखिए दोस्त, इस तोरण को मैंने अब पर्दे पर टांग दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना बेहतर लुक आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।